चलिए तो अब आपकी जून महीने में मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से उनके महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के बारे में। ये आपका मध्य प्रदेश में चलाया गया था, क्या नाम है इसका? इसका नाम रखा गया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। आपने देखा है कि कोरोना ने कितने लोगों की जान गई है, और आप देखिए कि अभी भी ये गया नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपना अपने परिवार का ख्याल खुद रखना है, क्योंकि आप देखते हैं कि जिन परिवारों ने अपने मेंबर खोए हैं उन्हीं से पूछिए कितना दुख होता है। बाकी के लोगों के लिए तो तमाशा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी जानते हैं इस बात को, क्या जानते हैं? इस बात को जानते भी हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान प्रारंभ किया है, और इस अभियान के द्वारा छोटे समूहों में कॉलेज में छात्रों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण दिया जाएगा। यह अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और इस अभियान के मुख्य तथ्य की बात करें तो आप देखेंगे कि राजकीय उच्च तथा तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों और लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण किया जाएगा, और इन छात्रों के माध्यम से लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। और अभियान के तहत छोटे समूहों में कॉलेजों में छात्रों का कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण की महत्व के बारे में जानकारी और विवरण किया जाएगा, और प्रशिक्षित छात्र अपने परिवार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को टीकाकरण के लाभों और कोरोना की रोकथाम के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, और ऐप के माध्यम से युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की दैनिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। क्या की जाएगी? समीक्षा भी की जाएगी, तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने एक आप देखेंगे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, कोविड-19 बाल कल्याण योजना ये क्या है? इस तरह से मुझे लगता है कोरोना महामारी से आप देखिए एक दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। ये आप देखेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने कोविड-19 का बाल कल्याण योजना के विभिन्न बिंदुओं पर अनुमोदन किया है, और इसमें आप देखेंगे ऐसे बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना से 1 मार्च से आप देखिए 2021 की अवधि से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है, और जिनसे उनकी आर्थिक समस्या के अतिरिक्त उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। एक तरह से कहने का मतलब ये है, आप सभी ने देखा है, आप सभी ने ये देखा है कि आपने देखा है बहुत सारे बच्चों के माँ बाप को छीन लिया है कोरोना है, या उनके जो पालक थे अभिभावक थे जो उनकी देखभाल कर रहे थे उनकी डेथ हो गई है। तो अब क्या हो कि उनकी देखिए जिंदगी है, शिक्षा व्यवस्था हो, उनकी आर्थिक व्यवस्था हो, उसकी व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए आप देखिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुरू की गई है, और इसलिए इस योजना के माध्यम से शासन द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता, निःशुल्क राशन और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। और योजना में प्रत्येक बाल हितग्राही को 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता, और संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क मासिक राशन और शिक्षा सहायता के रूप में पहली से लेकर कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक बिल्कुल फ्री शिक्षा उन बच्चों को दी जाएगी। और इसमें शासकीय और अशासकीय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आपके शामिल है, यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष शिक्षा, विधि शिक्षा इत्यादि सभी विषयों पर को भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान योजना में रखा गया है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका पॉइंट है आपके एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा है। किसमें? एनीमिया
मुक्त में मध्य प्रदेश एमपी आपका टॉप पर रहा है, क्या रहा है, टॉप पर रहा है। तो एनी में या मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है, क्या फर्स्ट नंबर हासिल किया है, पहले नंबर पर आया है। और एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है और 2019-20 में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान पर ही था। और 2020-21 के एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में मध्य प्रदेश को मिली रैंकिंग में आप देखेंगे 64.1% क्या वैल्यू आंकी गई है, जो पूरे देश में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और प्रदेश में आयरन फॉलिक एसिड कवरेज अंतर्गत 6 से लेकर 59 माह के बच्चों का कवरेज 36.3% और 5 से लेकर 9 वर्ष के बच्चों का कवरेज आप देखेंगे 71.6% और 10 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों का कवरेज आपका 66.3% और गर्भवती महिलाओं का कवरेज 95% और धात्री माताओं का कवरेज 51.3% रहा, जो अन्य प्रांतों से सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। फिर आपकी स्वामित्व योजना, ये क्या है, स्वामित्व योजना, और इसमें आपका मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, क्या रहा है, एमपी देश में टॉप पर रहा है, टॉप पर रहा है। प्रदेश में ग्रामीण आबादी का सर्वे का ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर आया, किस पर, फर्स्ट नंबर पर आया। और योजना अभी तक प्रदेश के 1615 गांव के अधिकार अभिलेख पूरे किए जा चुके हैं और हरदा जिले के 70% गांव के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं, किसके, हरदा, मध्य प्रदेश का एक जिला है हरदा, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आप देखेंगे कि अधिकार अभिलेख पूर्ण ग्रामों का 41% है और योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीण आबादी को अधिकार अभिलेख का वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का अधिकार का शासकीय दस्तावेज स्वामित्व कार्ड के रूप में दिया जाएगा और इस दस्तावेज के माध्यम से वे अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकेंगे और बैंकों से आसानी से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। और योजना के अंतर्गत ड्रोन द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर केवल उन संपत्ति धारकों के अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन को लागू होने की दिनांक 25 सितंबर 2018 को सावधि भूमि का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें इस दिनांक के बाद आबादी भूमि भूखंड का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे अगली खबर आपकी है RIR, क्या IRAD F परियोजना के क्रियान्वयन में प्रवेश प्रदेश अग्रणी रहा है, एमपी आपका टॉप पर रहा है, क्या रहा है, टॉप पर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के अनुसार मध्य प्रदेश IRAD परियोजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे है और प्रदेश में अब तक 14,000 सड़क दुर्घटनाओं का डाटा उक्त ऐप में दर्ज किए जा चुके हैं। इससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और सागर में सर्वाधिक 1,000 दुर्घटनाओं की प्रविष्टियां की गई हैं और IRAD परियोजना देश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो वर्तमान में 6 राज्यों जिसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसमें पायलट रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इसे परियोजना का क्रियान्वयन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, किसके, राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार। और देश में सड़क दुर्घटनाओं की दर को कम करने के साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और घायलों की दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और वर्तमान में इस परियोजना में 4 विभाग, पुलिस, परिवहन, सड़क स्वामित्व वाले विभाग और स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, तो राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार। और वर्तमान में इस परियोजना में 4 विभाग कौन कौन से शामिल हैं, तो पुलिस आपका शामिल है, परिवहन शामिल है, सड़क स्वामित्व वाले विभाग और स्वास्थ्य विभाग इसमें जोड़ा गया है, इसमें शामिल किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, आगे सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए पोषण नीति 2020 2020, इसका अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा सभी समुदायों को पोषण
एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, व्यापक सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें सक्षम बनाने, समुदाय विशेषकर बच्चों, किशोरों महिलाओं को उपयुक्त पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त कर सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य की पोषण नीति 2020 अनुमोदित की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए सहायक और सक्रिय पारिस्थितिकी का तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है और मंत्रिपरिषद में ने इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण की भूमि आवंटन के लिए नए नियम अनुमोदित किए हैं और यह नियम मध्य प्रदेश में एमएसएमई को औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के नाम से जाना जाएंगे। और नए नियम के अनुसार नियम लागू होने से पहले के विकसित औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास शुल्क ₹150 प्रति वर्ग मीटर और नियम लागू होने के बाद विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास शुल्क उस औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास में हुए कुल व्यय का पर समानुपातिक रूप से लिए जाने का प्रावधान किया गया है इसमें। और औद्योगिक क्षेत्र में भूमि भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया से किए जाने का प्रावधान किया गया है। आवंटन प्रक्रिया और अपील प्रक्रिया में समय सीमा लगभग आधी की गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय शेडों को किराए पर दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका अटल प्रोग्रेसिव, क्या अगली खबर है, अटल प्रोग्रेस ग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस। नर्मदा नदी आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से ही निकलती है, नर्मदा एक्सप्रेस प्रेस वे। ये क्या है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 17 जिलों से निकलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस वे और ग्वालियर चंबल संभाग में विकसित होने वाले अटल प्रोग्रेस वे के कार्य पूर्ण किए जाने हेतु समीक्षा की है और प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने, और आप देखेंगे कि नए नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए यह दोनों परियोजनाएं दूरगामी निवेश हैं और यह परियोजनाएं प्रदेश की प्रगति को नया आयाम देंगी और परियोजना निर्माण में अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग किए जाने की कोशिश की जाएगी। और जो आप लोग अटल प्रोग्रेस वे की बात करें तो ये भिंड मुरैना शिवपुर जिले से गुजरेगा, कहाँ से, भिंड मुरैना शिवपुर, और यह क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आगरा कानपुर हाईवे के मध्य स्थित है। भिंड में लॉजिस्टिक हब, मुरैना में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और शिवपुर में कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना है। अटल प्रोग्रेस वे की अनुमानित लागत आप देखेंगे ₹6,772 करोड़ है और कुल 312 किलोमीटर लंबा यह मार्ग शिवपुर भिंड मुरैना के 153 गांव से गुजरेगा। कितना, 312 किलोमीटर, समझ रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इस परियोजना के लिए 3,055 हेक्टर भूमि की आवश्यकता है। परियोजना के अंतर्गत 7 पुल, 2 ROB का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात करें हम लोग तो नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रदेश को पूर्वी सीमा से NH 45, NH 45, ई बिलासपुर रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और पश्चिम में गुजरात को जोड़ेगा। लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई के इस मार्ग के निर्माण पर 2,696 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। और नर्मदा एक्सप्रेस वे पूर्वी मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से उन्नत पश्चिमी मध्य प्रदेश से जोड़कर औद्योगिकरण के नए अवसर पैदा करेगा और यह प्रदेश की हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रियल बैकबोन सिद्ध होगा और प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम पर का लगभग 70% हिस्सा इसी बेल्ट में स्थित है। और नर्मदा एक्सप्रेस वे क्षेत्र में इटारसी और कीरतपुर को लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउस के हब के रूप में विकसित करने की योजना है। मुहासा बाबई में फार्मा और मल्टी प्रोडक्ट पर केंद्रित विश्व स्तरीय पार्क विकसित करने का कार्य जारी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा प्रोग्रेस वे की बात हो गई। अब देखिए अगली खबर है, मुख्यमंत्री COVID-19 विशेष अनुग्रह योजना। ये क्या है, मुख्यमंत्री कोविड कोरोना से संबंधित है 90 विशेष अनुग्रह, विशेष क्या
विशेष अनुग्रह योजना। तो इसमें क्या कहा गया है बताइए। राज्य में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी और तदर्थ संविदा आउटसोर्स अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गई है। और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का उद्देश्य ऐसे शासकीय सेवक सेवायुक्त की कोविड-19 के उपचार के दौरान या कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के 60 दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मौत हो जाती है, मृत्यु होने पर उनके परिवार को तत्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और राज्य के समस्त नियमित वेतन मानदेय स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी तदर्थ संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनकी पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय होता है योजना के लिए पात्र होंगे, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और योजना के नियम की बात करें तो मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सीय प्रयोगशाला की विधिमान रिपोर्ट होनी चाहिए और योजना अंतर्गत अधिकतम 5,00,000 रुपये तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा। और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधी जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा। और वित्तीय सहायता की बात करें तो योजना अंतर्गत अधिकतम 5,00,000 रुपये तक विशेष अनुग्रह राशि भुगतान किया जाएगा और जिन सेवायुक्तों को उनकी नियुक्ता द्वारा पूर्व से ही अनुग्रह राशि मृत्यु या सह सेवानिवृत्त उपादान या अन्य किसी नियम अधिनियमित के तहत किसी भी प्रकार का अन्य उपादान का भुगतान किया जा रहा है तथा सेवायुक्तों को इन शीर्षों भुगतान की गई कुल राशि 5,00,000 रुपये से कम है तो 5,00,000 रुपये वास्तविक भुगतान हेतु अंकलित राशि के अंतर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जाएगा। और जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि उपादान राशि की पात्रता नहीं है उनके पात्र दावेदार को 5,00,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और परिवार में एक से अधिक सेवायुक्त की योजना अंतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार पृथक पृथक राशि देय होगी। और योजना की अवधि की बात करें तो आप देखेंगे मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। यदि सेवा युक्ति योजना में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर हो जाती है तो इस स्थिति में पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी, उसका इस योजना का फायदा मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मध्यप्रदेश राज्य जूनियर मध्यप्रदेश MP राज्य जूनियर व यूथ ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता, शतरंज आप लोग भी खेलते हो, शतरंज प्रतियोगिता इसके बारे में क्या याद रखोगे प्रतियोगिता। मध्यप्रदेश शतरंज एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य जूनियर व यूथ ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक और बालिका वर्ग में माधवेंद्र और सेरा चैंपियन बने हैं। कौन कौन से बने हैं, एक तो नाम इसमें आप लोग माधवेंद्र और दूसरे आप देखेंगे सेरा, ये दोनों क्या बने हैं, चैंपियन बने हैं। क्या बने हैं, चैंपियन बने हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बालक वर्ग में छठवें चक्र की समाप्ति पर माधवेंद्र प्रताप शर्मा 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर और नव्या गोयल 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और बालिका वर्ग में सेरा डगारिया 4 अंकों के साथ पहले और अबिका पवार 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले चारों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश टीम में शामिल किया कर लिया गया है। और अंडर 18 में आयुष शर्मा विजेता, प्रखर बजाज और विजेता बालिका वर्ग में सेरा पहले व नित्या दूसरे स्थान पर रही हैं। अंडर 16 में ओजस सिंह पटेल पहले व प्रखर बजाज दूसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में आप देखेंगे सेरा पहले और हर्षिता जैन दूसरे स्थान पर रहे, तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे आपकी 60वीं
नेशनल इंटर स्टेट एथलीटिक्स चैंपियनशिप विजेता क्या है? बबीता पटेल बनी है। कौन है? बबीता पटेल। किसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, ऑनलाइन में पूछ लेते हैं। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी बबीता पटेल ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 60वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पोल वॉल्ट इवेंट में रजत पदक जीता है। और इसके अतिरिक्त जबलपुर के विक्रम सिंह ने आप देखेंगे 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और मध्य प्रदेश राजकीय अकादमी की बबीता पटेल ने पोल वॉल्ट में 3.40 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया है। और इसमें तमिलनाडु की वेरा निका एलेन गोवन ने 3.90 मीटर के साथ स्वर्ण और तमिलनाडु की ही रोसी मीना पालराज ने 3.30 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। और मध्य प्रदेश अकादमी के कुल 4 एथलीट ने इस चैंपियन में भाग लिया था। और इसके पहले जबलपुर एथलेटिक्स कॉरपोरेशन एसोसिएशन के विक्रम सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। किसने? विक्रम सिंह ने। तो ये भी नाम लो आप लोग याद रखिएगा, विक्रम सिंह, अक्रम सिंह नहीं, विक्रम सिंह। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये जाकर आपके जून महीने की करंट अफेयर्स की घटनाएं हो गई। क्या? जून महीने की। अब चलिए जुलाई चलते हैं। जुलाई महीने में मध्य प्रदेश में क्या घटनाएं घटी हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, जान लेते हैं। जुलाई 2021 में जो भी घटनाएं घटी उनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं, जिससे अगर क्वेश्चंस आता है तो इनका भी आंसर आप लोग दे पाएंगे। क्या कर पाएंगे? दे पाएंगे। और आप देखेंगे कि सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बना है। क्या बना है? आत्मनिर्भर बना है मेडिकल ऑक्सीजन के, मेडिकल ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के उत्पादन में। आपने देखा है कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की जरूरत कितनी रही है। प्रदेश सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास जारी किए हैं। और 2 जुलाई 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता संबंधी तथ्यों पर मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया है। और जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन निर्माता इकाइयों एवं स्टोरेज टैंक की व्यवस्था की जा रही है। और भोपाल के गोविंदपुरा, इंदौर के पोलो ग्राउंड और सागर के सिद्धगांव में ऑक्सीजन भंडारण हेतु टैंक का निर्माण किया गया है। भोपाल का गोविंदपुरा, इंदौर का पोलो ग्राउंड और सागर का सिद्धगांव, ठीक है। और ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और देखरेख हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी, अगली खबर है दिव्यांगों के पहचान पत्र देने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। किनके? दिव्यांगों के। एमपी क्या है? पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। भारत सरकार की ओर से सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च और ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए खेल परिषद का निर्माण किया जा रहा है। और प्रदेश में लगभग 6 लाख दिव्यांगजनों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। और दिव्यांगजन को पहचान पत्र प्रदान करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा 5,97,170 दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारिता से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसका? सहकारिता से बेहतर बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम। एक इससे क्या है ये आप देखें, 3 जुलाई 2021 को सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विपणन सहकारी संघ और आवास सहकारी संघ द्वारा स्वीकृत 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 गोदामों का शिलान्यास डिजिटली
करण किया गया। और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना जबलपुर के सीहोर में हुई थी, ये कब की बात है, 1904 की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के कहाँ हुई थी, ये जबलपुर के सिहोरा में हुई थी, जबलपुर के सिहोरा में, ठीक है, सिहोरा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ, जबलपुर में। और प्राथमिक सहकारी समितियां खाद और बीजों के लिए किसानों के लिए अत्यंत सहायक हैं और कृषि विकास एवं सहायता हेतु नाबार्ड आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है। और विभिन्न सहकारी बॉन्ड और उनकी पहचान, मध्य प्रदेश में सांची ब्रांड जो कि अमूल संस्थान के अंतर्गत आता है अपनी विशेष पहचान रखता है। संतरों के लिए मालवा फ्रेश ब्रांड ब्रांड के साथ नीमच के लहसुन, बुरहानपुर के केले, अमरकंटक की गुल बकावली, डिंडोरिये की कोदो कुटकी सहित प्रदेश की वनपज में कई संभावनाएं हैं। वर्तमान में सहकारी संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीकरण 45 दिनों के भीतर होने लगा है। अब क्या होने लगा, 45 दिनों के। आगे देखेंगे आप लोग की वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर बाल बाल सखा योजना, ये क्या है, बाल सखा योजना। तो आप देखेंगे बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति वन्य प्रेमी और आम नागरिकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बाल सखा अभिनव योजना मध्यप्रदेश सहित भारत के अलग अलग राज्यों में लागू की जा रही है। बाल सखा की यह प्रतियोगिता उज्जैन, दमोह, राजस्थान के बीकानेर और अजमेर शहर में आयोजित की गई है, जिसमें प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया है। बाल सखा की यह प्रतियोगिता रीवा, शहडोल, सतना, छिंदवाड़ा, इंदौर, रतलाम, भोपाल नगर में और बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो इसमें आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है, उज्जैन आपका, दमोह भी शामिल है, किया गया है। और आने वाले समय में आप देखिए रीवा, शहडोल, सतना, छिंदवाड़ा, इंदौर, रतलाम, भोपाल नगर में भी की जाएगी, ठीक है। ये आप देखिए, इसका सीधा सा उद्देश्य बाघ एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण के प्रति वन्य प्रेमी और आम नागरिकों को जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। फिर आप देखेंगे 108, कितना, 108 फिट ऊंची, ऊंची होगी एकात्मकता की प्रतिमा ऊंची होगी की प्रतिमा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम क्या रखा गया है, स्टैच्यू ऑफ वनलेस, ठीक है। तो आप देखेंगे ओंकारेश्वर में आचार शंकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का निर्माण किया जा रहा है। एकात्मकता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस की ऊंचाई 108, कितनी, 108 फीट होगी, जिसे 54 फीट ऊंचे, कितने, 54 फीट ऊंचे चबूतरे पर बने 27 फीट ऊंचे कमल पर स्थापित किया जाएगा। 2000 की क्षमता की एमपी थिएटर का निर्माण किया जाएगा, उसमें जिसमें लेजर लाइट और साउंड शो के माध्यम से आचार शंकर के जीवन और विचार पर आधारित शो का संचालन हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में संचालित किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण करना निर्धारित किया गया है। और आचार शंकर अद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं, आप सभी जानते हैं, आदि शंकराचार्य के नाम से भी आप लोग इन्हें जानते हैं। आचार शंकर की प्रतिमा के निर्माण हेतु प्रत्येक घर से धातु एकत्रित की गई थी और ये प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित है जो 108 फीट की ऊंची है और नर्मदा नदी के दोनों ओर ओंकारेश्वर विकल्प विकसित किए जाएंगे, जिसमें एक ओर आप देखेंगे शंकराचार्य की प्रतिमा और संग्रहालय और दूसरी ओर आप देखेंगे गुरुकुलम और अंतर्राष्ट्रीय अदेव वेदांत संस्थान का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आप देखेंगे अगली खबर क्या है, अगली खबर है 45 चावल वितरण की पायलट योजना का संचालन योजना। तो इसमें आप देखेंगे
एनीमिया और सूक्ष्म एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना का संचालन सिंगरौली जिले में किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया और कुपोषण जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी और योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाइड कर्नेल मिलाकर वितरित किए जाएंगे। और ये योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में यह योजना पहले ही प्रारंभ की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, आप सभी जानते हैं। इनका नाम क्या रखा गया है, रखा क्या गया है, रखोगे थोड़ी, पहले से नाम रखा है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू छगन भाई पटेल। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल श्री मंगू छगन भाई पटेल की नियुक्ति की गई है। और श्री पटेल पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का थी यहाँ पे। और आप देखेंगे कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की हैं। और ये आप देखें, बता दूं कि जो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के, 19वें राज्यपाल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। गुजरात के 9 सारी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक भी रहे हैं पटेल, और गुजरात विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। मौद्री कैबिनेट में वन और पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने कई सालों काम करते रहे हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है आपका JEC, JEC विश्व स्तरीय कॉलेज के रूप में। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे आप लोग शॉर्ट में JEC के नाम से जानते हैं, गौरवशाली 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर एक कदम सृजन के तहत स्थापित सेंटर फॉर इनक्यूबेशन डिजाइन एंड इनोवेशन और नवीन टीचिंग ब्लॉक का भी शुभारंभ किया है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस और मैकाटोनिक्स इंजीनियरिंग की शाखाएँ प्रारंभ की जाएंगी। तो ये भी है, चलिए खैर याद रखिएगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने 6 उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों के साथ किया है समझौता, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने। और आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि अटल बिहारी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसमें आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषक संस्थान ने विभिन्न विश्वविद्यालय एम्स, NIRES और IISER के साथ 6 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुपक्षीय समझौते का मुख्य लक्ष्य पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग से ज्ञान वर्धन और बेहतर नीति बनाना। इससे सुशासन संस्थान और MOU करने वाले संस्थान लाभान्वित होंगे। यह समझौते के माध्यम से संस्थाओं के सहयोग से पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशंस, वेबिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। टीचिंग, रिसर्च, अन्य क्षेत्रों में भी एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम आप लोग सुने हैं, कौन सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भावस्था के दौरान श्रम में लगी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए नगद राशि प्रदान करने हेतु संचालित योजना है। और योजना के सफल क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लगातार 3री बार रहा है, टॉप पर रहा है MP का नंबर, ठीक है। और इस योजना के तहत
पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर आया है और आंध्र प्रदेश आपका तृतीय स्थान पर आया है। और आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2017 को ये योजना प्रारंभ की गई थी 2017 में, और जो देश के प्रत्येक जिले में लागू है। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना भी इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के लाभार्थी को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो 3 किस्तों के रूप में दी जाएगी। 1,000 रुपये की पहली किस्त आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का पंजीयन कराने पर दिए जाएंगे। 2,000 रुपये की दूसरी किस्त कम से कम 1 पैसा पूर्व जांच कराने और गर्भावस्था के 6 माह पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी। 2,000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र के टीकाकरण पूर्ण होने पर दी जाएगी। तो देखिए आप लोग, जितनी लाभ है उतना ही बहुत है। चलिए अगली खबर की तरफ। उज्जैन उद्योग विज्ञान की नगरी के रूप में कौन? उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए भी जाने जाता है। यहाँ आप देखते हैं कि आपका कुंभ का मेला भी लगता है। उद्योग विज्ञान के क्षेत्र में उज्जैन का विकास किया जाएगा और छिपरा नदी के किनारे है। उज्जैन धर्म विज्ञान पुरातत्व विद्वानों ने से संबंधित है। कालिदास अकादमी उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में डोंगला में स्थित नवनिर्मित वैधशाला के ऑडिटोरियम का ई लोकार्पण किया गया है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में डोंगला में स्थापित वैधशाला देश का मार्गदर्शन करेगी और इसका लाभ जनता को मिलेगा। उज्जैन जिले में उद्योगों की स्थापना का शुभारंभ भी किया जा रहा है और उज्जैन के डोंगला में वैधशाला ग्रीनविच का निर्माण भी किया गया है। उज्जैन स्थित डोंगवाला वैधशाला भविष्य की ग्रीन बिच बनने वाली है और समय की गणना उज्जैन के डोंगला भी से की जाएगी। और डोंगवाला में वैधशाला संबंधी सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और अत्याधुनिक सभागार बनाया जा रहा है। यह वैधशाला फिजिक्स एवं गणित का केंद्र बिंदु बनेगी। साइंस सिटी के रूप में उज्जैन को विकसित किया जाएगा। डोंगवाला वैधशाला से नक्षत्रों की 3D के माध्यम से गणना की जाएगी और 3D के माध्यम से वैधशाला में नक्षत्रों की गणना की जाएगी। तो ये भी मध्य प्रदेश को मिलेगी सबसे सस्ती सौर ऊर्जा, एमपी को सबसे सस्ती सौर ऊर्जा। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो तेल, कच्चा तेल हो, या देखिए आप लोग कोई भी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, ये सभी एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे और आप देखते हैं कि बहुत लंबा समय लगता है इनके लिए बनने के लिए। तो हमारे पास दूसरा विकल्प भी तो होना चाहिए ऊर्जा के लिए, क्योंकि आज के समय में बिना ऊर्जा के मुझे लगता है कि रहना पड़ना मुश्किल है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा आगर के 550 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की 2 यूनिट के लिए 2.73 रुपये प्रति यूनिट के बेस टैरिफ में से प्रारंभ हुई है और मध्य प्रदेश के लिए यह सबसे सस्ती सौर ऊर्जा होगी। और विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक रीवा सौर परियोजना का को तत्कालीन न्यूनतम सोलर टैरिफ 2.97 यानी कि 2.97 रुपये प्राप्त हुआ था। और आगर में निजी क्षेत्र से लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 हेक्टेयर भूमि पर 550 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जा रही है। और इस परियोजना के अंतर्गत बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2000 मार्च 2023 तक निर्धारित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को ट्रफ, क्या? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को ट्रफ एडवाइजर एडवाइजर अवार्ड प्राप्त, तो ये भी प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों को ट्रफ एडवाइजर एनुअल ट्रेवलर्स अवार्ड और ग्वालियर स्थित तानसेन रेसिडेंसी को ट्रफ एडवाइजर ट्रेवलर ट्राइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द वेस्ट अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड विश्वविख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रफ एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया है। राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयां जिन्हें ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवलर्स अवार्ड मिला है और उनमें पलास रेजिडेंसी, भोपाल बघीरा जंगल रिजॉर्ट्स रिजॉर्ट मोचा, बेतवा रिटेट ओरछा, वाइसन रिजॉर्ट माधई, हॉलीडे होम्स अमरकंटक, जंगल कैंप पन्ना, कैफ लिंक्स कोट पेंच और संगमरमर की चट्टाने भेड़ाघाट, सफारी लॉज मुक्की शीश महल ओरछा और ब्राइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज ये बांधवगढ़ शामिल हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास से प्रदेश की संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। और आप सभी जानते हैं कि वो देखिए जो पर्यटन क्षेत्र होता है, आप देखिए लोग घूमने आते हैं तो अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा योगदान देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप देखेंगे, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया योर फेवरेट
योर फेवरेट टूरिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश, ठीक है। आप देखेंगे भारतीय दूतावास लेबनान में जुलाई माह में आयोजित वेबिनार में मध्य प्रदेश ने सहभागिता की है और मध्य प्रदेश पर्यटन को वैश्विक रूप पर रूप पहचान दिलाने और लेबनान के पर्यटकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से बैरूत में भारतीय दूतावास द्वारा अतुल्य भारत आपका पसंदीदा पर्यटन गंतव्य मध्य प्रदेश पर एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है और लेबनान नागरिक पर्यटन शिक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में भारत आते हैं। मध्य प्रदेश में विकसित विलेज टूरिज्म मध्य प्रदेश में कल्चर हेरिटेज नेचुरल डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ के साथ लग्जीरियम लग्जीरियस और वेलनेस टूरिज्म का अनूठा संगम है जो आकर्षण का केंद्र है। तो जन जन तक पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षा योजना नल जीवन मिशन, इसके बारे में जान लीजिए। जल जीवन मिशन आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,23,00,000 परिवारों के नल के माध्यम से जल प्रदान किया जा रहा है। कई मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं, कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, बहुत दूर दूर से आप देखिए पानी के जो प्यासे के लिए आप पानी पीते हैं ना, उसके लिए तरस रहे हैं लोग। मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने से पहले पानी का स्रोत सुनिश्चित करना और हर घर नल ले जाने और पहुंचाने इस योजना में सम्मिलित है। क्या है? सम्मिलित है। और आप देखेंगे नल कलेक्शन के लिए ₹500 सामान्य परिवारों से और ₹100 बीपीएल परिवारों से राशि ली जाएगी। वही जल प्रदाय का मासिक शुल्क ₹60 प्रति निर्धारित किया गया है। तो इस तरह की सुविधा हो तो हम तो कहते चलिए ₹100, ₹500 चाहे ₹60 कोई ज्यादा शुल्क नहीं है, लेकिन आप देखिए इस तरह की व्यवस्था हो तो, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम खड़ी रहती है। बुंदेलखंड के खास क्षेत्र में चले जाइए, आप देखिए रीवा सतना की तरफ चले जाइए बघेलखंड में। जल जीवन मिशन जन जन तक जल पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है और जलाशयों की जल भंडारण क्षमता, आप देखेंगे जलाशयों की जल भंडारण क्षमता के लिए की विकसित करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान आया है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है आपका, किसमें? जलाशयों की जल भंडारण क्षमता में, जल भंडारण क्षमता में जलाशयों की, तो ये भी याद रखिए क्षमता में। जलाशय से गाद निकालने हेतु टेंडर होगा, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। प्रथम चरण में 4 जलाशयों से गाद निकाली जाएगी। इसमें 5,00,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास हो सकेगा जिससे भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी, बांधों का जीवन काल बढ़ेगा, रेत का उपयोग हो सकेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। बुरहानपुर में, कहां? बुरहानपुर में टेक्सटाइल परियोजना, टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने की योजना है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि बुरहानपुर टेक्सटाइल परियोजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बुरहानपुर स्थित कपड़ा निर्माता कंपनी मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता हुई है और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में लगभग आप देखें ₹300 करोड़ के निवेश से टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने का निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी श्री चौहान को सौंपा गया है और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित सरस बुरहानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना 1956 में की गई थी। कंपनी की बुरहानपुर में 9 इकाइयां काम कर रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्यों में शामिल है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी आप देखेंगे कि क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है हॉरोसिस इंडिया मीटिंग। इसमें क्या कहा जा रहा है? आप देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हॉरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 का प्रधान सत्र का आयोजन किया गया है। यह सत्र मध्य प्रदेश भारत का उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र विषय पर आधार आयोजित किया गया है और आप देखेंगे हॉरोसिस
प्रबुद्ध जनों का एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पूर्व निदेशक श्री फ्रैंक जोरगन ने रिसर्च ने की थी। और आर्थिक विकास का प्रमुख विकास है वो प्रत्येक वर्ष हॉरोसिस ग्लोबल मीटिंग, हॉरोसिस चाइना मीटिंग, हॉरोसिस इंडिया मीटिंग, हॉरोसिस एशिया मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, उद्योग प्रतिनिधि, व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग, विज्ञानी, वैज्ञानिक, सहकारी अधिकारी और बुद्धिजीवी भाग लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के नए कुलपति बने हैं। इनका नाम क्या है? खेम सिंह डहेरिया। ये हिंदी जो विश्वविद्यालय भोपाल है ना, भोपाल, इसके कुलपति बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में हिंदी विभाग के प्रोफेसर खेम सिंह डहिया को नियुक्त किया गया है। और हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 29 की उपधारा के तहत कुलपति की नियुक्ति की गई है। तो ये आप लोग जरूरी याद रखिएगा, हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 29 की उपधारा के एक के तहत ये नियुक्ति हुई है। कुलपति के रूप में प्रोफेसर खेम सिंह ढौरिया का कार्यकाल 4 वर्ष की कालावधि या 4 साल के लिए, या फिर आप देखिए 70 साल, जो भी हो, पहले 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वत्व हो उसके लिए रहेगा। तो ये भी आप लोग, 4 साल अगर पहले हो जाता है तो ठीक है, वरना 70 साल तक ये रहेंगे। क्या सीधा सा कहने का मतलब, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार कि मान लीजिए आपकी अगर नियुक्ति 62 साल की हैं आप, और अगर आपकी नियुक्ति हो रही है तो आप 4 साल नियुक्ति करेंगे तो 66 साल के हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपकी 68 साल में नियुक्ति हो रही है तो आप देखेंगे 70 कब हो जाएगी, 2 साल बाद, तो आपकी 2 साल तक आपका पद रहेगा। कहने का मतलब जो भी पहले हो, 4 साल या 70 साल के हो जाए आप लोग, तब भी। तो ये आप लोग छोटी जानकारी याद रखिएगा, क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अब आप देखिए टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि, टोक्यो जापान का शहर है, और आप देखें इतने यहाँ ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक और मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर और मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के विवेक सागर को टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश की ओर से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ऐश्वर प्रताप सिंह होंगे, ये दो नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या है, ऐश्वर प्रताप सिंह, और दूसरा नाम है ये किसका, विवेक सागर। को टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश की ओर से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी सप्ताह विवेक सागर ने अर्जेंटीना के विरुद्ध हॉकी ओलंपिक मैच में गोल भी किया था, जिसके फलस्वरूप भारत की टीम विजयी भी हुई थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में देश के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था, आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। सुश्री चानू ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में द्वितीय स्थान अर्जित करके रजत पदक जीता है इन्होंने। फिर आप देखेंगे 19वां, क्या 19वीं आपकी राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर टूर्नामेंट या एथलेटिक्स क्या होगा, तो इसके बारे में याद रखिए। पंजाब के संगरूर में आयोजित 19वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य की एथलेटिक्स से मंजू यादव ने रजत पदक जीता है। किसने? मंजू यादव, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने रजत पदक जीता है। मंजू ने 11:53.80 का समय लेकर दौड़ पूरी की और रजत पदक अपने नाम किया है। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखेंगे एक और खेल हुआ है, एक क्या है, एक के स्टेन प्रीमियर लीग में, प्रीमियर
प्रीमियर लीग में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है, क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के प्रेरणा खरे ने, नाम क्या है इनका, प्रेरणा खरे, इन्होंने खरे ने, आप देखेंगे बेंगलोर स्थित एम्बेसी एम्बेसी इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इक्वे स्टेडियन प्रीमियर लीग में भाग लेकर 3 अलग अलग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है मध्य प्रदेश का। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। तो ये जुलाई महीने की जो भी घटनाएं घटी मध्य प्रदेश की उनके बारे में जान लिया है। अगस्त महीने पर चलते हैं, अगस्त महीने में क्या क्या घट गया है, तो उसके लिए अगस्त महीने में चलें, जरूरी है अगस्त महीने में चलना, रुकेंगे थोड़ी हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपके पूछे जाएंगे तो आप लोग फिर कैसे लग करोगे। तो ये आपका अगस्त 2021 है, ठीक है। इसमें जो घटनाएं आपकी मध्य प्रदेश में हुई हैं उनसे किस तरह के कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन्हें देख लीजिए। सबसे पहली आपकी योजना एक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन 7 अगस्त को किया गया, जिसमें प्रदेश की सभी, आप देखें, 25,435 उचित मूल्य दुकानें सम्मिलित थीं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को बैग सहित राशन का सामान वितरण किया गया है, और उचित मूल्य दुकान द्वारा 100 लाभार्थियों को कार्यक्रम के दिन बैग में राशन सामग्री दी जाएगी। हितग्राहियों को 3 से 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के हिसाब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मई से नवंबर 2021 तक निःशुल्क राशन का वितरण करने की बात की गई थी। कोरोना महामारी में आपने देखा है सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आयुष्मान योजना की है तो ग्राहियों को कार्ड वितरण, ये आप देखिएगा आयुष्मान योजना, इसमें आप देखेंगे 3 अगस्त को आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना के अंतर्गत आयुष्मान हितग्राही सम्मेलन में आयुष्मान हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप आयुष्मान कार्ड और DIS कार्ड जनरेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रगति पत्र प्रदान किए गए हैं। और भारत में आयुष्मान योजना आप देखेंगे 23 सितंबर, ये कब लागू हुई थी भारत में, 23 सितंबर 2018 को, ये डेट भी याद रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत निजी और शासकीय चिकित्सालय में हितग्राही परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। और आयुष्मान योजना में मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों को दूसरे राज्य में भी निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और कोविड बाल कल्याण योजना में प्रदेश के मूल निवासी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आकस्मिक मृत्यु कोविड-19 से हुई है उन्हें आयुष्मान भारत निरामय योजना में लाभ हेतु सम्मिलित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए शराब पर भी कई बार आप देखते हैं कि घमासान होता रहता है या राजनीति होती रहती है, तो प्रदेश में अवैध शराब कारोबार से जुड़े व्यक्तियों पर कठोरतम दंड का प्रावधान रखा गया है। अवैध शराब, आप देखिए बिहार में भी शराब बंदी हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, फेल हो गई है, जागरूक करेंगे नहीं और योजनाएं लगा दंड रख देंगे तो कहां तक वो सफल होगी। शराब के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों के लिए कानून में संशोधन, कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा। और अवैध शराब के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों पर तत्कालिक कठोरतम कार्यवाही और त्वरित रूप से जांच की जाएगी। सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से लाई जाने वाली अवैध शराब को रोकने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और डिस्टलरी से निकलने वाली ओपी एल्कोहल के टैंकरों को ई लॉक सिस्टम के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी यदि ओपी एल्कोहल के अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाती है तो उसे तत्काल बंद किया जाएगा। शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की नकल तैयार ना हो, इसका दुरुपयोग ना हो, इस हेतु सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से QR कोड और ट्रेड एंड ट्रेस की व्यवस्था के साथ होलोग्राम भी बनाए जाएंगे। अवैध शराब तथा कानून व्यवस्था के संबंध में मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया है
और जिसका संबोधन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब, मुख्य सचिव इकबाल सिंह वेल्स, पुलिस महानिदेशक विवेक जोहरी, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे। तो ये भी है, इनमें ये भी याद रखिएगा। और आप देखिए कि कोरोना महामारी ने सबसे पहले कोई दुकानें खुली थी वो शराब की थी, क्योंकि आप देखिए बहुत इस पर टैक्स मिलता है, बहुत फायदा होता है। विदेश में आबकारी संबंधी अपराधों पर मृत्युदंड, ये आप देखेंगे कि विदेश में आबकारी संबंधी अपराधों को रोकने हेतु विभिन्न प्रकार के अपराध पर अधिरोपित होने वाली शास्ति दंड तथा फाइन में वृद्धि करने के लिए मध्यप्रदेश आबकारी क्या आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 अनुमोदन किया गया है। इसे 2021 इसमें क्या कहा गया है, इसमें धारा 49(1) के अंतर्गत जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि जहरीली शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड या न्यूनतम 50 और न्यूनतम 20 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक में मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित अन्य रसायन से युक्त मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति होने पर पहली बार में न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 2 लाख रुपए का जुर्माना और दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा मिलने पर पहली बार में न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 6 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 10 साल तक का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और किसी आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य निष्पादन में बाधा डाले या क्षति पहुंचाए उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। और विदेश में महुआ आधारित मदिरा को मुख्य धारा में लाने हेतु उसे हेरिटेज पारंपरिक मदिरा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है और इसके नियंत्रित निर्माण व विक्रय के लिए विभाग द्वारा नियमित निर्धारित किए जाएंगे और इससे महुआ से निर्मित मदिरा के लघु उद्योग प्रोत्साहित होंगे। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखेंगे MSME विकास नीति 2021, इसके बारे में जान लीजिए। MSME विकास नीति 2021 इसमें आप देखेंगे और इसमें MSME प्रोत्साहन योजना है। इसमें क्या कहा गया है, राज्य में नवनिवेश और व्यापार की सीमा को बढ़ाने हेतु MSME विकास नीति 2021 और MSME प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा 2020 से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण नए सिरे से किया जाएगा और इस वर्गीकरण के अंतर्गत अधिकतम 50 करोड़ के प्लांट और मशीनरी उपकरणों में निवेश करने वाली और अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां MSME के अंतर्गत आ गई हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अभी आपने देखा होगा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा में संशोधन के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 द्वारा मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 में प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कुलाधिपति का प्रावधान किया गया है। तो ये भी याद आप लोग याद रखिएगा। मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक हब बनाने हेतु योजना आई है, कहां MP में आप देखेंगे को लॉजिस्टिक हब, ये क्या है,
आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब बनाया जाएगा, इस हेतु एक योजना बनाई जाएगी। और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक ऐप बनाया जाएगा, इसके माध्यम से ट्रकों और टैंकरों का बाधा रहित आवागमन सुनिश्चित होगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट है इसमें, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे रेड क्रॉस, क्या रेड क्रॉस, रेड क्रॉस एम्बुलेंस, ये क्या है, एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है, इसके बारे में जान लीजिए। आपातकालीन सेवाओं हेतु मध्य प्रदेश में रेड क्रॉस एम्बुलेंस को प्रारंभ किया गया है। एम्बुलेंस वेंटिलेटर, कार्डिक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सक्शन पंप, ऑक्सीजन सिलेंडर, एयर कंडीशनर, ऑटो लोडर, स्पिन बोर्ड, हेड इमोबलाइजर, व्हील चेयर, यूपीएस और फाइबर इंटीरियर्स सुविधाओं से युक्त होगा। इसके साथ ही एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर और जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता भी होगी। आपको मालूम होगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। किस रूप में मनाते हैं? इन्हें मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। तो प्रत्येक वर्ष आप देखें 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आप देखेंगे प्रशासकीय अवकाश रहेगा। पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस, इस दिन स्वैच्छिक ऐच्छिक आवास का प्रावधान, अवकाश का प्रावधान रखा गया है। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तर अगली खबर है आपकी, क्या रीवा से भोपाल और इंदौर के लिए हवाई यात्रा का प्रारंभ हो गया, रीवा से। तो चलिए रीवा वालों, खुश खबरी है आप लोगों के लिए, कहाँ, भोपाल के लिए और इंदौर के लिए। तो इंदौर, रीवा, इंदौर और भोपाल के बीच 72 सीटर विमान सेवा का प्रारंभ की जाएगी। और रीवा से हवाई सेवा प्रारंभ करने से रीवा और आसपास के क्षेत्र का यथासंभव विकास हो सकेगा। और मुख्यमंत्री, अब देखिए, हो सकेगा। और अगली खबर क्या है, मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वायरस से वैक्सीन तक पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया गया है, किससे, वायरस, और याद रखिए क्या है, पुस्तक है, फिर आप लोग भयभीत हो जाए, से वैक्सीन तक। और वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाइएगा। इसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा श्री आदित्य श्रीवास्तव की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, आदित्य श्रीवास्तव, एक क्वेश्चन से जरूर पूछेगा श्रीवास्तव जी। ठीक है, कि पुस्तक से वैक्सीन तक, वायरस वायरस से वैक्सीन तक लोक प्रस्तुतिकरण किया गया। इस पुस्तक में कोरोना संक्रमण प्रारंभ होने से वैक्सीन तक के तथ्यों का वर्णन किया गया। पुस्तक के लेखक श्री आदित्य श्रीवास्तव दूरदर्शन मध्य प्रदेश के संवाददाता है। तो ये भी याद रखिएगा, देश का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर, वाटर प्लस शहर इंदौर, कौन सा, इंदौर बना है वाटर प्लस, वाटर प्लस, ठीक है, शहर बना है इंदौर। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त करने के बाद इंदौर अब देश का सबसे पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। और याद रहे कि पिछले 4 वर्षों से स्वच्छता के अभियान में इंदौर प्रथम पर है। और स्वच्छता भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश के शहरों का विभिन्न स्वच्छता मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। इसमें ODF प्लस, ODF डबल प्लस, ODF, और आप देखेंगे वाटर प्लस की श्रेणियां शामिल है। ऐसे शहर जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानों को पूरा कर लिया है, जिनके द्वारा आवासीय और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता है, वो वाटर प्लस का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इसमें इंदौर आपने देखा है, कर लिया है। ओलंपिक, अगली खबर क्या है, ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को 1 करोड़ की सम्मान निधि के साथ पुलिस उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो आप समझ रहे हैं एक बात, कि आजकल आप देखिए, पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब,
आज आप देखिए पढ़ने तक की जरूरत नहीं है, अगर खिलाड़ी हैं आप तो आपको वैसे ही पुलिस उप निरीक्षक बना दिया जाएगा, 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। तो विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि का चेक प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने मैं सागर जिले का DSP नियुक्त कर दिया है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत को हॉकी में मिला कांस्य पदक प्राप्त हुआ है ना, हॉकी में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और विख्यात हॉकी प्रतिभा मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक कुमार ध्यानचंद का भी सम्मान किया है। और श्री अशोक कुमार ध्यानचंद ने विवेक सागर को प्रशिक्षित किया है एक तरह से। विवेक सागर के सहायक कोच शिवेंद्र सिंह और ईश्वर प्रताप सिंह को भी सम्मानित किया गया है। ईश्वर प्रताप सिंह खेल विभाग की शूटिंग अकादमी से प्रशिक्षा प्राप्त करने के बाद ओलंपिक में प्रतिनिधि कर चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आधुनिक सुविधा से युक्त मेमू, क्या मेमू, ये क्या है मेमू? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की शुरुआत हुई है। ये आप देखेंगे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए 3 नई मेमू मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का प्रारंभ हुआ है। ये रेलगाड़ी GPS, डिजिटल डिस्प्ले, CCTV और बायो टॉयलेट आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। इंटरनेट के माध्यम से यात्रीगण तेज गति से सुविधाएं यात्रा कर सकते हैं। इसमें यात्री सूचना प्रणाली, GPS, CCTV, बायो टॉयलेट आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनकी गति आप देखेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और प्रत्येक ट्रेन में 8 डिब्बे होंगे जिसमें आप देखेंगे 650 यात्री बैठ सकेंगे। ये सभी ट्रेन अनारक्षित होंगी और बीच में आने वाली सभी स्टेशनों पर रुकेंगी। और अगली खबर है भोपाल से। भोपाल में भारत माता का मंदिर बनाया जाएगा। किन का? भारत माता का। कहाँ? ये भोपाल में बनेगा, ठीक है, भोपाल में। बी से भोपाल। भोपाल में वीर भूमि के रूप में भारत माता का मंदिर बनाया जाएगा। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन व्यर्थ को एक तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदी के सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती 16 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री श्री चौहान और पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक आजादी बनाम फांसी अथवा कालामानी का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो याद रखिए आजादी बनाम फांसी अथवा कालापानी किसकी पुस्तक है? ये श्री रघुनंदन शर्मा की। प्रदेश में टंड्या भील, भीमा नायक, संघर्ष सहाय, शंकर सहाय, रघुनाथ सहाय, महारानी लक्ष्मीबाई स्मृति स्मारक बनाने के संबंध में भी कार्य जारी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी। श्री बी चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आप देखें मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति बने हैं। आयुक्त जबलपुर संभाग श्री बी चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की अनुसूची की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श के उपरांत कुलपति की नियुक्ति हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। बिम्सटेक, सुने हैं आप लोग बिम्सटेक के बारे में? बिम्स टेक, इसमें यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता में भोपाल में आयोजन हुआ है इसका। कहाँ? भोपाल। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में बिम्सटेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और बिम्सटेक वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता में 7 देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत देश भाग लेंगे। देखिए इसमें फिर से याद रखिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। इसमें यांटिंग, कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग की प्रतियोगिताएं भी होंगी। यह आयोजन मार्च 2020 को निर्धारित था, कोरोना के कारण इसे रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। बिम्सटेक यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता में 7 देशों के लगभग 142 खिलाड़ी भाग लेंगे और प्रत्येक देश में से यांटिंग में 4 पुरुष और 4 महिलाएं, कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग में 3 3 पुरुष और महिलाएं प्रत्येक खेल प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन बिम्सटेक की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। चौथे बिम्सटेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रतिनिधियों को भारत में वाटर स्पोर्ट मीट के लिए एक तरह से आमंत्रित भी किया है, तो ये भी याद रखिएगा। आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति आई हुई है,
क्या नई शिक्षा नीति आई हुई है, और इसमें नई शिक्षा नीति 2020 इसका शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। शिक्षा नीति 2020, ये सत्र 2021-22 से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे आरंभ कर दी गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, पहला राज्य है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ च्वाइस बेस्ड कैडेट सिस्टम छात्रों के लिए उपलब्ध रहेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रोजगार परक व्यवसायिक पाठ्यक्रम, बहु निकास की उपलब्धता, भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश, कैडेट हस्तांतरण की सुविधा, प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर, कला विज्ञान शारीरिक शिक्षा और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा, और व्यवहारिक शिक्षा जीवन कौशल को विकसित करना जैसे तत्वों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में कुल 160 कैडेट विद्यार्थियों के लिए रहेंगे। वैकल्पिक विषय चयन की सुविधा भी रहेगी। और इसके साथ ही आप देखेंगे स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में एक मुख्य विषय, एक गौण विषय, एक वैकल्पिक विषय था विषय तथा एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में, आधार पाठ्यक्रम, योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप परियोजना कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शामिल है। महाविद्यालयों में मांग के अनुरूप सर्टिफिकेट डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ संचालन हेतु 160 महाविद्यालयों में 282 सर्टिफिकेट और 177 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति दी गई है। तो ये भी मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है, इनके बारे में याद रखिएगा। खेल पुरस्कार 2020, इनसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है हर साल, आप देखते होंगे कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे 2022 के लिए राज्य शासन द्वारा 13 एकलव्य के, कितने 13 आपके एकलव्य, और आप देखेंगे कि 10 आपके विक्रम, 10 आपके विक्रम, और आप देखेंगे 3 विश्वामित्र, और आपका 1 आपका स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी, और आप देखेंगे 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा की गई है। और आप देखेंगे कि एकलव्य पुरस्कार सुषमा वर्मा को मिला है, क्या ये जान लीजिए, एकलव्य पुरस्कार आपकी सुषमा वर्मा को मिला है। इनका संबंध कहां से है, सीहोर से है, और काया किंग केनोइंग से जुड़ी हुई है। और आप देखेंगे व्यक्तिगत पुरस्कार तुषिता सिंह को मिला है, किन्हें, तुषिता सिंह को, इनका संबंध भोपाल से है, भोपाल की है। और आप देखेंगे सॉफ्ट टेनिस से जुड़ी हुई है, किससे, सॉफ्ट टेनिस से, स्पर्श खरे, ये आपको बता दूं कि ये सभी एकलव्य की बात हो रही है, स्पर्श खरे ये कहाँ के हैं, ये जबलपुर के हैं, इन्हें वसु में मिला है से जुड़े हुए हैं। अर्जुन क्या है, अर्जुन सिंह, ये भी भोपाल के हैं, ये आप देखें घोड़सवारी से जुड़े हुए हैं। सुनील डावर ये कहाँ से हैं, ये आपको बता दूं बड़वानी से हैं, एथलेटिक्स हैं। गोरांसी शर्मा ये दिव्यांग है, ये भी याद रखिए, गौरांसी वर्मा शर्मा, माफ करिए शर्मा जी हैं, ये दिव्यांग है और भोपाल से हैं, बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। राम मिलन यादव ये आपको बता दूं कि ये कैसे कहां से हैं, टीकमगढ़ के हैं, सेलिंग से जुड़े हुए हैं। अंकित शर्मा की बात आए तो कहां से हैं, एक ग्वालियर से हैं, फिशिंग से जुड़े हुए हैं। अनुराधा अहिरवार तो ये आपको बता दूं कि ये अनुराधा अहिरवार भोपाल से हैं, तीरंदाजी से जुड़ी हुई। प्रीति रजक ये आपको बता दूं होशंगाबाद से हैं, शूटिंग से जुड़ी हुई है। शशांक
पटेल, ये आपको बता दूं काहे से जुड़ी हैं, ये भोपाल की हैं, ताइक्वांडो से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। दलीय पुरस्कार की बात करें तो विवेक सागर प्रसाद को मिला है, किसे? विवेक सागर प्रसाद को। और आपको बता दूं ये होशंगाबाद के हैं, हॉकी से जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे हर्षवर्धन तोमर ग्वालियर के हैं, हर्ष वर्धन इन्हें भी मिला है तोमर को। ये आप देखिए कि कहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं, बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। पूजा मालवीय है, पूजा मालवीय है। ये आप देखेंगे कि काय से हैं, उज्जैन के हैं, मलखम से जुड़ी हुई हैं। प्राची यादव दिव्यांग हैं, ग्वालियर से हैं, पैरा कैनू से जुड़ी हुई हैं, प्राची यादव। तो पूछा जा सकता है काहे से इनका संबंध है। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो ये आप देखेंगे विश्वामित्र पुरस्कार वीरेंद्र डा किने, ये आप देखेंगे वीरेंद्र वीरेंद्र डवास को दिया गया है। और ये आपको बता दूं कि दिव्यांग हैं, ग्वालियर से हैं, कहाँ से हैं, वीरेंद्र डवास। ये पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स हैं। और फिर आप देखेंगे रिच श्री रिच पाल सिंह, ये आप देखेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सलारिया जबलपुर से हैं, तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें, ये विश्वामित्र पुरस्कार थे श्री बीरेंद्र डबास और श्री रिचपाल सिंह सलारिया, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो आप देखेंगे ये अभय छजलानी है, अभय छज लानी, ठीक है। और ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, किससे? टेबल टेनिस से। और तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पद्मश्री और पूर्व अध्यक्ष हैं इंदौर के। और स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार ये मिला है, किसने मिला है? सुश्री वैष्णवी ए कहार को, उज्जैन की हैं ये, आप देखेंगे उज्जैन की हैं, मलखम से जुड़ी हुई हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक में भारत को स्वर्ण और रजत पदक मिले हैं। 30 अगस्त 2 को हुए पैरा ओलंपिक में भारत को 2 पदक प्राप्त हुए, जिनमें भारत को पहला स्वर्ण पदक शामिल है। अवनी लेखरा ने, आपने देखा होगा, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पहला स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता था। सुमित अंतिल ने एथलीट में बेहतर प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता था। और योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो में, आप देखेंगे चक्का फेंक में रजत पदक जीता था। पुरुषों की ऊंची कूद 47 वर्ग में भारत के निषाद कुमार को रजत पदक प्राप्त हुआ था। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देव झाझरिया ने रजत और सुंदर एस गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। कुमारी भाविना बहन पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता था। तो ये भी याद रखिएगा। आप देखिए नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विकास खंड वार योजना, विकास ये क्या है? नक्सली आप देखते हैं कि बहुत पहले हुआ करते थे, हमारे ही देश के लोग हैं। और आप देखिए तभी तो हम लोग इतना समझौता करते रहते हैं कि भूल जाइए आप और जुड़ जाइए मुख्यधारा में। और नई सरकार आई है तो कई योजना, कई ने मौके दिए हैं, कई ने आपने देखा है कि छोड़ा भी है गलत का रास्ता, क्योंकि हमारे ही लोग हैं तो इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है, अपने ही लोग मारे जाते हैं दोनों तरफ से। बालाघाट जिले के विकास एवं नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विकास खंडवार अलग अलग कार्य योजना तैयार की जाएगी। बालाघाट आप देखते हैं मध्य प्रदेश का शहर है, उसी की बात हो रही है। बालाघाट और जिले में पुलिस एवं अन्य विभागों में विशेष भर्ती हेतु विचार किया जा रहा है। बालाघाट में एथेनॉल आधारित उद्योग लगाए जाएंगे, जिसमें धान को रखने के लिए गोदाम की समस्या का भी समाधान करने में मदद मिलेगी और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिर तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक नया क्या, नव भारत साक्षरता, साक्षरता कार्यक्रम का संचालन, ये संचालन हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे मध्य प्रदेश उन सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को शामिल किया जाएगा, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अशिक्षितों को बुनियादी एवं कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से संचालित होगी। और प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम राज्य जिला विकास खंड में समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
और असाक्षरों को साक्षर करने में जिन संस्थाओं व्यक्तियों का सहयोग किया जाएगा उनको अक्षर साथी कहा जाएगा। अक्षर साथियों द्वारा साक्षरता कक्षाएं स्वेच्छा से संचालित की जाएंगी और इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो कुल मिला के ये आपका अगस्त महीने की करेंट अफेयर्स हो गई, क्या अगस्त महीने की निपट गई आपकी, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अब सितंबर महीने की घटनाओं को देख लीजिए, क्या हुआ है सितंबर महीने में, क्या क्या घटनाएं हो गई, और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या होंगे पूछे ही जाएंगे, उसमें क्या शक है। सितंबर 2021 में जो भी मध्य प्रदेश में आपकी घटनाएं घटी हैं एमपी में, उनसे किस तरह कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, कौन, मध्य प्रदेश, सबसे पहली तो घटना यही है। एमपी को टेक्सटाइल के हब के रूप में, इससे क्या होगा, टाइल के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना है, प्रदेश में टेक्सटाइल हब बनाने की योजना है, इसमें प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और टेक्सटाइल क्षेत्र में सागर ग्रुप द्वारा प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें लगभग 4,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। यह ग्रुप प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर, खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर और रियल एस्टेट और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो याद रखिएगा ये भी। फिर आप देखेंगे अगली खबर है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ हुई है। एमपी में आपकी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ हुई है। विमान सेवा ये कहाँ को हुई है ये भी जान लीजिए, इंदौर से दुबई के लिए, इंदौर से, अब दुबई का आप लोग जवाब सकेंगे, दुबई के लिए हुई है। इंदौर से दुबई विमान सेवा प्रारंभ की गई, ग्वालियर से दिल्ली और इंदौर के लिए भी विमान सेवा शुरुआत की गई। इंदौर से 5 और ग्वालियर से 4 विमान सेवा प्रारंभ की गई। इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने, एयरपोर्ट के विस्तार में राज्य शासन की ओर से सहायता प्रदान की गई है। और ग्वालियर में 500 करोड़ रुपये की लागत से नया भव्य हवाई अड्डा राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर स्थापित किया जाएगा। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन को 250 करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्वरूप दिया जाएगा, तो ये भी है। देखिए ओबीसी के आरक्षण को लेकर आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ बड़े लंबे समय से आप देखिए पंचायत चुनाव नहीं हुए, कई एग्जाम भी टले रहे हैं ओबीसी को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर 27% आरक्षण की बात होती थी, समझ रहे हैं। तो उसी तो मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों के लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती प्रक्रम में आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। यह 8 मार्च 2019 से प्रभावशाली होगा। इस पर विवाद बना रहता है, तो इसके बारे में एक जब भी कुछ हुआ करे तो आप लोग याद रखा करेगा। पैरा ओलंपिक में मध्य प्रदेश में अवनी और को स्वर्ण पदक मिला है। अवनी लेखरा को जानते हैं, अवनी लेखरा इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। और याद रखिए अवनी लेखरा 30 अगस्त को अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग राइफल शूटिंग से संबंध है इनका। अवनी को 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। अवनी किसी ओलंपिक या पैरालंपिक में एक साथ 2 रजत प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी है भारतीय। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता था, तो ये भी याद रखिएगा। मंडला के श्री शक्ति पटेल राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, किसे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। कौन नाम है इनका, इनका नाम है श्री शक्ति पटेल, तो इनके बारे में याद रखिएगा। मंडला जिले के हैं शिक्षक श्री शक्ति पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और श्री शक्ति पटेल मंडला जिले के ग्राम मंद के शासकीय हाई स्कूल में हिंदी विषय के माध्यमिक शिक्षक हैं। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया और क्यूआर कोड द्वारा निःशुल्क नोट्स बच्चों को वितरित किए हैं। और इनकी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मनोरंजक शिक्षा सामग्री से देश के हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
आजादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न समारोह जबलपुर में आयोजित हुआ है। कहाँ? जबलपुर में, न्यायिक राजधानी में। आपका हाई कोर्ट का मुख्यालय है ना, ये मुख्य ब्रांच यही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर 18 सितंबर को जबलपुर में बहुआयामी समारोह किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मिलित हुए। जबलपुर समारोह में आदिवासी जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान का स्मरण किया गया। उनके बलिदान की गाथा गीत संगीतमय प्रस्तुति दी गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में जनजाति नायकों के इस गौरव समारोह में प्रदर्शनी, पुस्तक लोकार्पण, फिल्म प्रदर्शन और ई एल्बम के लोकार्पण किया गया है। समारोह में अमर शहीद राजा शंकर साहेब और रघुनाथ साहेब पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया है। जंगे आजादी में जबलपुर पुस्तक का विमोचन किया गया है। स्वाधीनता संग्राम के रणबांकुरों, जननायकों और सेनानियों पर केंद्रित ई एल्बम का लोकार्पण भी किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए अगली खबर क्या है, बैकलॉग और निःशक्त जन के रिक्त पदों, विशेष भर्ती अभियान में 1 वर्ष की बढ़ोतरी। कितने? 1 वर्ष की बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग, कैरी फॉरवर्ड पदों और निःशक्त जनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2021 तक 1 वर्ष करने की विधि का निर्णय लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तों में नियम में संशोधन किया गया है। ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा भर्ती सेवा की शर्तों, नियम 2017, नियम 2017, 2017 के नियम 14, नियम 14 के बाद 14 आ जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? 14 ए जोड़ दिया गया, आ जोड़ दिया गया और जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इस नियम के अंतर्गत अभ्यर्थी से नियमित नियुक्ति के समय से आशय का रुपये 5 लाख का बंध पत्र निष्पादित कराया जाएगा। उसे पदभार ग्रहण करने के पश्चात न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएं देना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी भी कारण से त्यागपत्र देगा, सेवाएं नहीं देने पर उक्त राशि का या 3 महीने के वेतन भत्ते के बराबर राशि जो भी अधिक होगी देनी होगी। उक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में बांड की पूरी राशि राजसात की जाएगी। और यदि आवेदक केंद्र या मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय सेवा, शासकीय सेवा के लिए पूर्व अनुमति के साथ त्यागपत्र देता है तो उसे बांध पत्र की राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। और एथेनॉल एवं जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता योजना हो रही है। एथेनॉल एवं जैव ईंधन क्या है? एथेनॉल, ये भी काफी चर्चा में, एथेनॉल और जैव ईंधन। जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। पेट्रोलियम तेल उत्पादक कंपनियों को इकाई इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदान करने पर 1.50 रुपये प्रति लीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से 7 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। इकाइयों के लिए भूमि क्रय करने वाले पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। औद्योग के लिए निजी आवंटित आवश्यक शासकीय भूमि पर पानी, बिजली, सड़क अधोसंरचना, विकास के लिए परियोजना पर हुए व्यय के 50% जो भी प्रत्येक मद के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सीमा तक होगा की प्रतिपूर्ति की जाएगी। और इस नीति के क्रियान्वयन के लिए MPIDC भोपाल नोडल एजेंसी होगी। क्या? ये भी याद रखिएगा, MPIDC भोपाल नोडल एजेंसी होगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। निवाड़ी जिले में के पृथ्वीपुर को विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। ये आप देखिए, अभी लो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आदर्श बनाने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए पृथ्वीपुर में नई मंडी शुरू की जाएगी और साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट लागू किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि देखिए पृथ्वीपुर की बात हो रही है तो आपने देखा होगा कि पृथ्वीपुर निवाड़ी जिले में पड़ता है। किसमें? निवाड़ी जिले में पड़ता है। पहले टीकमगढ़ जिले में पड़ता था निवाड़ी सब, लेकिन नया जिला बन चुका है। प्रत्येक गरीब के लिए पक्का, प्रदेश में प्रत्येक गरीब के लिए पक्का आवास। 2011 की सर्वे सूची में छूटे गरीबों का सर्वे किया जाएगा, जिससे पात्र हितधारकों ग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये। कितना? 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। कितना? 20,000 रुपये। ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पक्के मकान बना
के दिए जा रहे हैं। प्रदेश के हर 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इनमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला सभी सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जान लीजिए, पीएम आवास योजना के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप देखेंगे कि ये 2014 में शुरू की गई थी। कब? 2014 में नई सरकार आई थी, जिसमें 2022 आजादी के 75 वर्ष पूर्ण तक प्रत्येक परिवार को पक्का घर बनाने के लिए के एक तरह से घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत पक्के मकान, पानी और बिजली की उपलब्धता प्रत्येक हितग्राही परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का आरंभ किया गया है। किसका? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का। ये आप देखेंगे 16 सितंबर को इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत अनुमानित की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्य राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश सहित देश में 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। परियोजना का 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश के में राजस्थान के रामगंज मंडी से प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता हुआ अनास नदी के पास गुजरात राज्य में प्रवेश करेगा। यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के विकास में लाभकारी होगा और प्रदेश के सीमावर्ती जिलों झाबुआ, रतलाम, मंदसौर के साथ उज्जैन, इंदौर भी दिल्ली मुंबई से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में सुने? इसके तहत गैस सिलेंडर मिले थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और आप देखिए कि लेकिन आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिला, लेकिन एक बार भरवाने के बाद दूसरा भरवाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत महंगा हो गया गैस सिलेंडर। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो अभी भी पुरानी पद्धति पर जो लकड़ी आती है, गोबर के कंडे पाथे जाते हैं उबले, उनसे बनाया जा रहा खाना। इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है और आप देखें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश में 5 लाख माताओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार 2014 के प्रथम कार्यकाल से ही गरीब कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन स्लोगन के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई कब 1 मई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण योजना उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड अनुसार विकसित करने में प्रदेश पुरस्कृत हुआ है मध्य प्रदेश एमपी आपका। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड अनुसार NQAS यानी कि इसका मतलब होता है नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड अनुसार विकसित करने पर प्रदेश पुरस्कृत हुआ है। देश में प्रदेश को रनर अप पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह लक्षित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर मैटरनिटी ओटी के क्वालिटी मानक की पूर्ति के आधार पर पुरस्कार दिए गए हैं। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के दौरान उत्कृष्ट स्तर पर सभी मानकों के अनुसार उचित देखभाल करना है और इससे मातृ और नवजात मृत्यु दर को शून्य करना है और माँ बच्चे की उचित देखभाल सुनिश्चित करनी है। तो ये भी याद रखिएगा। एक आपने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में सुना होगा, इसमें मध्य प्रदेश शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ये क्या है? ये आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने भारत के ग्रामीण समाज का विकास और प्रकृति से सीधे जुड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। योजना में ट्रायल के तौर पर जिन 6 राज्यों का चयन किया गया, उसमें मध्य प्रदेश भी आपका शामिल है। पूरे प्रदेश के किसान इस योजना से अधिक लाभान्वित हों, इसके लिए हम लगातार समन्वय और प्रशासनिक सुदृढ़ता से काम कर रहे हैं। और इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र का मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये भी है। एमपी में डिजिटल एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर यानी फसलों की पैदावार बढ़ाने और कृषि को सक्षम एवं लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी और सेवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ाया है। खेती में उत्पादकता बढ़ाने के और उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर अंतर्गत लगातार काम किया जा रहा है।
कृषि को सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण रूप से लाभदायक और टिकाऊ बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना डिजिटल कृषि का कहलाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसके बारे में सुने? एक जिला एक उत्पाद योजना, ये क्या है? एक नवंबर आप सभी जानते हैं मध्यप्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई 1 नवंबर और नवंबर से की जाएगी। इसमें प्रत्येक जिला अपनी उत्पादक उपलब्धि का प्रदर्शन करे और मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में कुछ विशेष उत्पादन होते हैं, जिससे किसी में काष्ठ शिल्पियों द्वारा, किसी किसी जिले में बुनकरों द्वारा, तो किसी जिले में आप देखें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्य बड़े पैमाने पर होते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना सभी जिलों के 64 उत्पादकों का चयन कर लिया गया है। साथ ही जिले के प्रमुख उत्पाद के अलावा अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य भी इस योजना के में शामिल होगा। एक बीज ग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्या बीज ग्राम के बारे में? ये आप देखें मध्य प्रदेश कृषि विभाग के बीज ग्रामों का उद्घाटन शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति बहुल ग्रामों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक बीज में ग्राम में 50 हितधारकी किसानों को खाद्यान्न दलहन और तिलहन फसलों की नवीन किस्मों के बीज प्रमाणित उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और बीज मिनी किट में उच्च उत्पादन किस्मों के बीज होंगे। इसमें इनमें कृषक नवीन किस्मों को अपनाए जाने के लिए प्रेरित होंगे और नवीन किस्मों के प्रमाणित बीज सीधे कृषकों तक पहुँचेंगे, जिनसे किसानों को अधिक लाभ होगा। विदेश में निर्यात बढ़ाने हेतु डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब का आरंभ हुआ है, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रदेश में निर्यात बनाने हेतु क्या हुआ है, ये आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, तो ये भी याद रखिएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में निर्यात से संबंधित कार्य हेतु राज्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रत्येक जिले में गठित की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने का काम करेगी और प्रदेश में एमपी ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल औद्योगिक इकाइयों और निर्यातकों के लिए निर्यात से जुड़ी तकनीकों को समझने और निर्यातकों को विश्व के प्रमुख आयातकों से जोड़ने में सेतु का काम करेंगे और निर्यातकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण एक्सपोर्ट हेल्पलाइन के माध्यम से किया जाएगा और निर्यात की संभावनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सर्वेक्षण उत्पादन की मांग के आधार पर एवं और उत्पाद की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उत्कर्ष वैल्यू चेन विकसित की जाएगी, तो ये भी याद रखिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सुनाए? 1 रुपये प्रति किलो की दर से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आप देखें यह एनीमिया सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा। कौन सा इसमें आपका कौन सा चावल है? फोर्टिफाइड चावल। और आप देखेंगे कि सिंगरौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें फोर्टिफाइड चावल 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन की दुकान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फूड खाद्य फोर्टिफिकेशन को एनीमिया मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम और पोषण अभियान के माध्यम से एनीमिया को कम करने के लिए एक कम लागत वाले प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार फोर्टिफिकेशन का मतलब है भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व की सामग्री को बढ़ाना, ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो, शरीर को भी वे पोषक तत्व मिल जाए जो कुपोषण को दूर करें। और इसे आसान शब्दों में समझें तो इसमें अनाज को पीस कर ऊपर से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इसी तर्ज पर राइस फोर्टिफिकेशन में नियमित चावल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। ये पोषक तत्व आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है। चावल के फोर्टिफिकेशन में कोटिंग और डस्टिंग जैसे कई तकनीकों की मदद ली जाती है। जैसे अनाज को पीस कर उसमें ऊपर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, यही चावल के साथ भी किया जाता है। और इसमें चावल को पीस कर पाउडर तैयार कर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जोड़े जाते हैं। इसके बाद इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को फिर से चावल के आकार में बदला जा सकता है, जिसे फोर्टिफाइड राइन कर्नेल कहा जाता है। इस परियोजना के तहत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को सामान्य चावल के साथ अनुपात में मिलाया जाता है। उसके बाद इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मिड डे मील के तहत लोगों में बांटा जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के नए आयाम
एमपी में पर्यटन। इसमें क्या हो रहा है, आप देखें प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समीप अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। और ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रमुख 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों में गांव और ग्रामों को हेरिटेज ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें 1500 से अधिक होमस्टे विकसित किए जाएंगे। और हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ओरछा के ग्राम लाडपुरा खास को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से बेस्ट टूरिस्ट विलेज की श्रेणी में नामांकित किया गया। तो ये ओरछा में देखने को मिलेगा, निवाड़ी जिले में। वेलनेस टूरिस्ट के अंतर्गत प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल पर वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ओरछा में क्या नाम है इसका, इस ग्राम का लाड़पुरा। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह को पोषण का दायित्व, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की आंगनबाड़ियों में गर्भवती धाती माताओं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तथा किशोरी बालिकाओं के लिए THR प्रदायगी का कार्य स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा किए जाने के लिए 7 THR संयंत्रों की स्थापना 2018 में की गई थी। इसके अंतर्गत देवास, धार, होशंगाबाद, मंडला, सागर, शिवपुरी, रीवा संयंत्र स्थापित किए गए। इन सभी संयंत्रों के माध्यम से आप देखेंगे भोपाल संभाग के जिले छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में रेडी टू ईट टेक होम राशन दिया जा रहा है। रेत नियम में संशोधन हुआ है, किसमें, रेत नियम में क्या संशोधन हुआ है ऐसे भी देख लीजिए। आप देखेंगे मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश रेत खनन परिवहन भंडारण व्यापार नियम 2019 में संशोधन हुआ है। इसके तहत 250 एवं निविदाकृत रेत मात्रा को गुणनफल प्रारंभिक आधार मूल्य निर्धारित किए जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। जन निजी भागीदारी से सतगढ़ी में खेल ग्राम का होगा निर्माण, कहाँ, ये सतगढ़ी। सतगढ़ी में ग्राम सतगढ़ी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्व शिक्षा युक्त खेल ग्राम का जन निजी भागीदारी के माध्यम से निर्माण किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। 20,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को 250 करोड़ रुपए बैंक ऋण वितरण किया गया है। कितना, 20,000 महिला स्वयं सहायता जो रहती है ना उनके लिए। आप देखेंगे स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किए गए हैं। सहरिया, बेगा, भारिया जनजाति की 2,27,687 महिलाओं को 22,77,00,000 रुपए का आहार भत्ता और बाढ़ पीड़ितों को 163 करोड़ 28 लाख रुपए राशि के रूप में वितरित किए जाएंगे। और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना शुरू की गई है। इन जनजातियों के परिवार 14 जिलों श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में निवास करते हैं। इन परिवारों के खातों में 1,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्या करिएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आपका कब का, इस तरह से अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स हो गया आपका। कब का हो गया, ये आपका सितंबर महीने खत्म हो गया। क्या हो गया, सितंबर महीना भी खत्म हो गया आपका। अब बचता है अक्टूबर महीने, अगला क्या है, अक्टूबर महीने का।